Rectangular, Rounded Rectangular, Ellipse Tool. Rectangle Tool. ये टूल हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करने देता है और साथ ही स्क्वायर कलर फिल के साथ. यहां है रेक्टेंगल टूल. इसका शॉर्टकट की है U. अब टूल को सिलेक्ट करें और इसके ऑप्शंस पेन टूल के समान हैं. अब आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो. जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में कर्सर को क्लिक करते हुए कर्सर को ड्रैग करेंगे, ये फोरग्राउंड कलर को डिफॉल्ट के रूप में फिल कर लेता है और अब रेक्टेंगल क्रिएट हो गया. आप फिल कलर को स्टाइल में बदल सकते हैं. स्टाइल कुछ नहीं है पर ये प्रीसेट्स के ब्लेंडिंग ऑप्शंस को कंटेन करता है, जहां आप इसे इंस्टेंटली रेक्टेंगल में अप्लाई कर सकते हैं. आप किसी भी स्टाइल ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए रेक्टेंगल पर विभिन्न स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं. और अब किसी भी स्टाइल पर डबल क्लिक करें उसे सिलेक्ट करने के लिए. यहां आप सिलेक्टेड स्टाइल को रेक्टेंगल में अप्लाई करते हुए देख सकते हैं. जब आप कस्टम शेप ऑप्शन के बगल में इस स्मॉल इन्वर्टेड ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे, आपको अनकंस्ट्रेंड रेक्टेंगल को रेक्टेंगल के जैसे ऑप्शन सेट करने के लिए मिलेंगे, जहां पर ये किसी भी प्रोपोर्शन का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा. जैसे ही आप कर्सर को ड्रैग करेंगे, स्क्वायर ऑप्शन हमें स्क्वायर ड्रॉ करने अलव करता है. फिक्स्ड साइज प्रोपोर्शन ऑप्शन शेप को परफॉर्म करता है एग्जैक्ट साइज में जो हम स्पेसिफाई करते हैं. सेंटर ऑप्शन हमें सेंटर से शेप को ड्रॉ करने के साथ ही पिक्सल्स को स्नैप करने में मदद करता है. टूल की जरूरत के अनुसार आप किसी भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं. अब चलिए देखें कैसे राउंडेड रेक्टेंगल टूल काम करता है. राउंडेड रेक्टेंगल टूल. राउंडेड रेक्टेंगल टूल का प्रयोग करते हुए आप रेक्टेंगल को स्मूथ कॉर्नर्स से ड्रॉ कर सकते हैं. ये ऑप्शन और कस्टम ऑप्शन रेक्टेंगल टूल के जैसे सिमिलर है, सिवाय रेडियस ऑप्शन के. इस ऑप्शन द्वारा आप कॉर्नर्स के रेडियस को स्पेसिफाई कर सकते हो और ये रेक्टेंगल के कॉर्नर्स की स्मूथनेस को भी डिफाइन करता है. आपके चाहत के अनुसार आप रेडियस के लिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो. फिर राउंडेड रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए कर्सर को क्लिक करके ड्रैग करें डॉक्यूमेंट में. आप राउंडेड कॉर्नर्स में अंतर देख सकते हैं. अंत में अब आप एलिप्स टूल पर मूव करें. एलिप्स टूल. इस टूल का प्रयोग कर आप ओरल्स, एलिप्स, सर्कल आदि को ड्रॉ कर सकते हो. ये रेक्टेंगुलर टूल में हिडन है और अब आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं. ये टूल ऊपर डिस्कस्ड टूल्स के समान सिमिलर ऑप्शंस को होल्ड करता है. जब आप कस्टम शेप ऑप्शन के बगल से स्मॉल इन्वर्टेड ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे, आपको सर्कल्स को ड्रॉ करने के ऑप्शंस मिलेंगे. और चलिए मुझे इसमें एक ऑप्शंस दिखाने दें. फिक्स्ड साइज ऑप्शन को सिलेक्ट करें और वैल्यू को स्पेसिफाई करें जितना बड़ा आप चाहें. बस यूं ही डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें. ये एक परफेक्ट सर्कल को सिंगल क्लिक में क्रिएट करता है. अतः आप एक रेक्टेंगल, स्क्वायर और अन्य ज्योमेट्रिक शेप्स को ड्राइंग टूल्स का इस्तेमाल कर ड्रॉ कर सकते हैं.